नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी वर्चस्व की लड़ाई में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को बड़ी जीत मिली है। तमाम विवादों के बीच गुरुवार को पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में पशुपति पारस गुट के 4 सांसद महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज भी शामिल रहे। ये बैठक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भान सिंह के आवास पर हुई। सूरज भान को ही पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। पशुपति पारस बुधवार को ही पटना पहुंच गए थे। गुरुवार को उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। जब किसी अन्य नेता ने विरोध नहीं किया तो उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुना गया था। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करते हुए अपने विश्वसनीय राजू तिवारी को बिहार प्रदेश LJP का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पशुपति पारस गुट और चिराग पासवान दोनों ने LJP के ऊपर दावेदारी कर दी है और ऐसे में ये झगड़ा चुनाव आयोग या कोर्ट में जाना तय माना जा रहा है। चाचा और भतीजे के बीच छिड़ी जंग कब और कैसे खत्म होगी ये साफ नहीं है, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि अब उनकी वापसी मुश्किल है। लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस ने कहा है कि अब जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उससे पीछे वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बता दें कि पशुपति पारस समेत कुल 5 सांसदों ने अलग रुख अपना लिया है। 5ों की ओर से पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुना गया है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।